Hello drama fans, welcome back. Before starting the video, please subscribe my channel and watch the video till the end. Let it start. येजी और चिंगलियों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक प्ले करता है और वो दोनों अपने उन बीते दिनों को याद करने लगते हैं जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। चिंगलियों के चेहरे पर बेहद उदासी होती है क्योंकि वो जानती थी कि आज वो येजियो का दिल तोड़ने वाली है। तभी येजियो उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे शादी का वादा किया था जो मैं आज तक पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूँ और तुम्हें और नान नान को एक घर दूँ। इसके बाद येजियो चिंगलियों को वो पेंटिंग बुक दिखाता है जो नान नान ने उसे गिफ्ट की थी और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर चिंतित थी क्योंकि मैं फोर किंगडम कॉन्टेस्ट को बहुत ही हल्के में ले रहा था, लेकिन नान नान की इस पेंटिंग बुक की वजह से मैं जान गया हूँ कि फोर किंगडम कॉन्टेस्ट हमारे लिए कितना मायने रखता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार की इज्जत के लिए भी। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में तुम और नान नान नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। फिर वो चिंगलियों को वो रिंग दिखाता है जो उसने स्पेशली चिंगलियों के लिए बनवाई थी। चिंगलियों ये देख के बहुत ही इमोशनल हो जाती है और येजियो को किस कर लेती है। शायद ये उन दोनों का आखिरी किस था। इसके बाद येजियो अपने घुटनों के बल बैठकर चिंगलियों को प्रपोज करता है, लेकिन चिंगलियों उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और उसे शादी के लिए मना कर देती है। वो येजियो से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नान नान का बायोलॉजिकल फादर मिल गया है और वो प्रिंस शेंगवैन है। ये सुनते ही जैसे येजियो पर एक पहाड़ टूट पड़ता है और वो उस रिंग को हाथ में लिए वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद येजियो अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ शराब पी रहा होता है और नशे में बड़बड़ा रहा होता है कि शायद इसीलिए प्रिंस शेंगवैन मुझसे मिलना चाहता था क्योंकि वो मुझे ये बताना चाहता था कि वो ही नान नान का रियल पिता है। लेकिन चिंगलियो ऐसा कैसे कर सकती है, वो ऐसा कैसे कह सकती है कि मैं उसे भूल जाऊँ। फिर वो उस रिंग को देखने लगता है जो उसने चिंगलियों के लिए बनवाई थी और साथ में ही उस मैरिज सर्टिफिकेट को भी जिसे उसने बहुत ही मन से ग्लू से चिपका के वापस ठीक किया था। इसके बाद वो चिंगलियों को याद करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, लेकिन दीवार के दूसरी तरफ चिंगलियों भी खड़ी होती है और येजियो की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो भी बाहर खड़ी खड़ी बहुत ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद चिंगलियो अपने सभी लोगों के साथ येजियो के घर से चली जाती है तो हावरान ल्यूली को रोकता है कि अभी अभी तो हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी और तुम अभी मुझे छोड़कर जा रही हो। तो ल्यूली उससे कहती है कि इस वक्त चिंगलियो को मेरी ज़रूरत है। तभी चिंगलियो ल्यूली को आवाज़ लगाती है कि जाने का वक्त हो गया है। तभी वहाँ येजियो भागा भागा आता है चिंगलियो को आखिरी बार देखने के लिए। चिंगलियो भी उसे पर्दा हटा कर लास्ट टाइम देखती है और फिर वापस पर्दा बंद करके वहाँ से चली जाती है। चिंगलियों के जाने के बाद येजियो बहुत बुरी तरह पीना शुरू कर देता है तो हावरान उसे समझाता है कि भाभी अगर यहाँ से गई है तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। तो येजियो कहता है कि वजह मैं तुम्हें बताता हूँ, शेंगवैन नान नान का रियल फादर है और इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया है। तो हावरान कहता है कि भाभी प्रिंस शेंगवैन के जिंगले किंगडम को उतना ही बुरा समझती हैं जितना कि शूरा समुदाय को। अगर शेंगवैन नान नान का रियल फादर होता तो वो ऐसा कभी नहीं करती। तभी लॉर्ड ली कहता है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रिंस शेंगवैन नान नान का रियल फादर है तब भी चिंगलियो तुम्हें इस तरह छोड़ के कभी नहीं जाती, ज़रूर इस सब के पीछे कोई और बात है। लेकिन येजियो तो जैसे कुछ भी सोचने और समझने की हालत में होता ही नहीं है। तभी वहाँ मोजियान आती है और कहती है कि प्रिंसेस चिंगनिंग मिलना चाहती हैं। अगले सीन में चिंगलियो नान नान के पास बैठी होती है तो नान नान उससे पूछता है कि हमने फेंकिंग पवेलियन क्यों छोड़ दिया। तो चिंगलियो उसे बताती है कि क्योंकि तुम बीमार हो और अगर तुम वहाँ रहते तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा येजियो भी बीमार हो जाते। तो उस पर नान नान कहता है कि मैं उनका ध्यान रखूँगा इसलिए मैं वहाँ जाने की जिद नहीं करूँगा। तभी वह ल्यूली आती है और चिंगलियो उसे कहती है कि तुम येजियो को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती हो और तुमने उससे ये झूठ क्यों बोला है कि शेंगवैन ही नान नान का रियल फादर है। तो चिंगलियो बताती है कि नान नान अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उस फैदर से सिर्फ जहर का असर कुछ समय के लिए टल गया है। नान नान को बचाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो उस पक्षी का ब्लड नान नान को दिया जाए और या नान नान का ब्लड किसी और से बदला जाए, लेकिन उसका ब्लड सिर्फ और सिर्फ उसके किसी मेल रिलेटिव से ही बदला जा सकता है। ब्लड एक्सचेंज करने से वो जहर उस दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ल्यूली कहती है तो इसीलिए तुम सब कुछ सच नहीं बताना चाहती हो क्योंकि तुम जानती हो कि अगर येजियो को पता चल गया कि वो नान नान का बायोलॉजिकल फादर है तो वो नान नान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देगा और नान नान को अपना ब्लड दे देगा। लेकिन तुम उससे सच कब तक छिपा सकती हो। इन दोनों की ये बातें प्रिंस शेंगवैन बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। ल्यूली कहती है कि इसका मतलब नान नान को बचाने के लिए हमें उस पक्षी की ज़रूरत है, लेकिन हम उसे लाएंगे कैसे। तभी वहाँ प्रिंस शेंगवैन आता है और चिंगलियो को एक और फैदर देता है जिससे कि वो नान नान को कुछ और समय तक ज़िंदा रख सके, लेकिन चिंगलियो उस फैदर को देखकर कहती है कि ये फैदर तो बीमार चिड़िया का लगता है।
ड्वेन स्पैरो को उड़ना पसंद है, लेकिन तुमने उसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, इसलिए शायद वो बीमार हो गई है और उसका फैदर भी ख़राब हो गया है। अगर इस ख़राब फैदर की वजह से नैन नैन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो शेंगवेन कहता है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि नैन नैन मुझे अपना पिता बुलाए, इसलिए मैं नैन नैन को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाता हूँ और उस बर्ड का ध्यान रखता हूँ। लेकिन बाहर आते ही वो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों पर नज़र रखना और इन्हें कहीं मत जाने देना। लेकिन चिंगलियो प्रिंस का पीछा करना शुरू कर देती है। वहीं कमरे में ल्यूली शेंगवेन के आदमियों को धोखा देने के लिए चिंगलियो का एक पुतला बनाकर उससे बात करना शुरू कर देती है, जिससे कि उन्हें लगे कि ये दोनों अभी कमरे में ही हैं। चिंगलियो प्रिंस शेंगवेन का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां शेंगवेन शूरा समुदाय के डेप्यूटी मिनिस्टर से कह रहा होता है कि चिंगलियो ने कहा है कि वो बर्ड बीमार हो गई है, उसका ध्यान रखना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। इसके बाद वो उसके कान में कहता है कि नैन नैन का रियल फादर येजियो है। तभी शेंगवेन को कुछ आहट सुनाई देती है और वो उस ओर तीर लेकर बढ़ जाता है, लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर उससे कहती है कि ये कोई जानवर भी हो सकता है, आप ज़्यादा परेशान ना हों। लेकिन शेंगवेन को शक हो जाता है, इसलिए वो चिंगलियो से मिलने उसके रूम में जाता है। पर क्योंकि चिंगलियो रूम के बाहर ही खड़ी थी, इसलिए उसे डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। तभी वहाँ येजियो आ जाता है और शेंगवेन उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो येजियो उसे कहता है कि मैं चिंगलियो और मेरे बेटे को ले जाने आया हूँ। तो शेंगवेन उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मंगेतर और मेरे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहते हो। तो येजियो कहता है कि अगर आज मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी रूम से चिंगलियो निकल कर आती है और येजियो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो येजियो कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तो शेंगवेन चिंगलियो को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि तुम मेरे और चिंगलियो के बीच में आने की कोशिश मत करो। फोर किंगडम कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जब हमारी शादी होगी तो वहाँ मैं तुम्हें इनवाइट करूँगा, तुम वहाँ ज़रूर आना। तो येजियो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शेंगवेन आज मैं तुम्हें दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली तो ये कि चिंगलियो सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और दूसरी ये कि फोर किंगडम कॉन्टेस्ट में मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से जान से मार डालूँगा। ये सुनकर चिंगलियो के चेहरे पर थोड़ी खुशी आती है, जैसे कि वो यही चाहती हो। अगले सीन में लॉर्ड ली मिनिस्टर सीतू को फोर किंगडम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाता है और उन्हें धन्यवाद देता है। तो मिनिस्टर सीतू कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन लॉर्ड ऑफ युआंग यानी कि येजियो कहाँ हैं। तो हावरन खुश होते हुए कहता है कि कल रात जब से वो जिंगली किंगडम से वापस आए हैं वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तभी वहाँ येजियो आता है जो पूरे जोश में होता है और सभी को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है। ल्यूली चिंगलियो से पूछती है कि अब नैन नैन की हालत कैसी है। तो चिंगलियो बताती है कि उस फैदर की वजह से उसकी हालत में सुधार तो है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें किसी भी तरह उस बर्ड को ढूंढना होगा। आज जब ये सब लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाएंगे तो हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। तो ल्यूली कहती है कि मुझे लगता है उस बर्ड को शूरा समुदाय के लोगों ने इनर सिटी में छुपा रखा होगा और फोर किंगडम कॉन्टेस्ट भी इनर सिटी में ही हो रहा है। तो चिंगलियो कहती है कि इसका मतलब कॉन्टेस्ट में प्रिंस शेंगवेन की हेल्प के लिए शूरा समुदाय के कई लोग छुपे हुए होंगे, जिससे कि वो उसकी मदद कर सकें। तो ल्यूली कहती है अभी ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें अपने प्लान पर ध्यान देना है। चिंगलियो अपने सारे गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि नैन नैन का ध्यान रखना और इस बात का भी ध्यान रखना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोए। तभी वहाँ शेंगवेन आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी मंगेतर हो और नैन नैन मेरा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। अगले दिन फोर किंगडम कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग अपनी अपनी टीम के साथ होते हैं। ल्यूली को देखकर हावरन उसकी तरफ बढ़ता है, तो ल्यूली उससे कहती है कि हम दोनों अलग अलग टीम में हैं, इसलिए मेरे पास मत आओ। इसके बाद हावरन उससे पूछता है कि भाभी ने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे बता सकती हो, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊँगा। तो ल्यूली उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी और अभी तुम यहाँ से जाओ। तभी येजियो पीछे मुड़ के चिंगलियो की तरफ देखने लगता है, तो शेंगवेन उसको देख लेता है और उससे कहता है कि लगता है तुम मेरी टीम के मेंबर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। वहीं चिंगनिंग लॉर्डली से पूछती है कि क्या मास्टर ने जीतने के लिए कोई प्लान बना रखा है, तो लॉर्डली उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। इसके बाद कॉन्टेस्ट का होस्ट कॉन्टेस्ट के रूल बताता है और कहता है कि ये कॉन्टेस्ट चार किंगडम्स के बीच में लड़ा जाएगा, इसके दो राउंड होंगे, जो टीम पहला राउंड क्लियर कर लेंगी वो फाइनल में जाएंगी और चैंपियन के टाइटल के लिए फाइट करेंगी। जीतने वाली टीम के कैप्टन को चारों किंगडम का जनरल बना दिया जाएगा और उसे सेकेंड शिलोंग मेडिकल डिक्शनरी भी इनाम में दी जाएगी।
तभी ड्रम बजाया जाता है और चारों किंगडम्स के बीच में कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। पहले राउंड के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को इनर सिटी में ले जाया जाता है, फिर उन सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि सभी को अपना आइडेंटिटी कार्ड दूसरी टीम के पार्टिसिपेंट के पास से ढूंढना है और जो टीम सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी कार्ड लेकर इनर सिटी के गेट पर आ जाएगी वही इस राउंड की विनर होगी। लेकिन इनर सिटी के अंदर शूरा समुदाय के लोग भी छिपे हुए थे जो कि हाउरन पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर चिंगलियो शूरा समुदाय के दो लोगों की बातें सुन लेती है जो आपस में कह रहे होते हैं कि डेप्यूटी मिनिस्टर ने हमें उस बर्ड के लिए दवा लाने को कहा है। अगले सीन में डेप्यूटी मिनिस्टर उस बर्ड से कह रही होती है कि एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं खुद तुम्हें पका कर खा जाऊँगी। तभी वहाँ कोई उस बर्ड के लिए दवा लेकर आता है और जैसे ही वो इंसान उस बर्ड को दवा देने के लिए उसके पास जाता है वो दवा को हवा में छोड़ देता है जिससे कि डेप्यूटी मिनिस्टर बेहोश होने लगती है क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं चिंगलियो खुद थी। लेकिन चिंगलियो का पीछा करते करते वहाँ शेंगवेन भी पहुँच जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मेरे आदमियों ने हाउरन और चिंगनिंग को भी बंदी बना लिया है। अब मैंने ट्यानू और फैंकेंग दोनों किंगडम के हाथ बांध दिए हैं, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब चैंपियन टाइटल सिर्फ मेरा होगा और साथ में तुम भी, और वैसे भी तुम्हारे लिए मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये बर्ड मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूँगा जिससे कि तुम नन नन की जान बचा सकती हो। तो चिंगलियो उससे कहती है कि पहली बात तो ये कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे मैंने ढूंढ लिया है और दूसरी बात ये कि तुम्हें क्या लगता है चिंगनिंग और हाउरन को तुमने पकड़वाया है। तभी शेंगवेन देखता है कि चिंगनिंग और हाउरन को लाने वाले लोग उसके नहीं थे बल्कि वो तो खुद येजियो, लॉर्डली और ल्यूली थे। तभी एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं जिसमें चिंगनिंग येजियो को पहले ही बता चुकी होती है कि शेंगवेन का 7 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी आंखें ख़राब हो गई थी और वो पिता नहीं बन सकता था, इसलिए वो नन नन का फादर नहीं हो सकता। तो लॉर्डली कहता है कि इसका मतलब शेंगवेन ने चिंगनिंग को मजबूर किया है और येजियो के अलावा सिर्फ नन नन ही ऐसा इंसान है जिसको निशाना बनाकर शेंगवेन चिंगलियो को ब्लैकमेल कर सकता है। तो येजियो समझ जाता है कि इसीलिए चिंगलियो मुझे कुछ दिनों से नन नन से मिलने नहीं दे रही है। तभी चिंगनिंग बताती है कि लास्ट टाइम जब मैंने नन नन को देखा था तो वो एक पेंटिंग बना रहा था और उस पेंटिंग में कलर करने के लिए मेरी एक मेड ने उसे कलर दिए थे और तभी से मेरी वो मेड गायब है और अपने घर चली गई है, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। और इसीलिए उस रात जब चिंगलियो ने शेंगवेन का पीछा किया था तो येजियो भी जंगल में पहुंच गया था और वो सब जान गया था कि किस तरह नन नन को जहर दिया गया है और उसकी जान बचाने के लिए उस बर्ड का मिलना बहुत ज़रूरी है। और तब येजियो ने चिंगलियो से कहा था कि तुम्हारी सारी परेशानियां अब मेरी हैं, मैं तुम्हारी परछाई की तरह हूँ, नन नन की जान को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। और चिंगलियो उसके गले लग गई थी। बैकग्राउंड ख़त्म हो जाता है। अब शेंगवेन कहता है तो इसीलिए तुम उस रात जंगली किंगडम आए थे, वैसे तुम लोगों ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया और अपने प्लान में चिंगनिंग और हाउरन को भी मोहरा बना दिया। तो चिंगनिंग कहती है कि मेरे भाई को पता नहीं है कि तुम शूरा समुदाय के लोगों के साथ मिले हुए हो और तुमने मुझे किडनैप किया है, अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो शेंगवेन कहता है तुम लोगों को क्या लगता है मैंने अपने लिए कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया होगा। तभी वो इशारा करता है और उसके आदमी सबको चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन तभी ल्यूली इशारा करती है और प्रिंस चिंगहेंग अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रिंस चिंगहेंग के साथ में मिनिस्टर सीतू भी होते हैं। ये मिनिस्टर सीतू ही थे जिन्होंने प्रिंस चिंगहेंग को सब कुछ बता दिया था कि शूरा समुदाय के साथ मिलकर प्लेग की महामारी को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस शेंगवेन ही था। फिर प्रिंस चिंगहेंग शेंगवेन से कहते हैं कि तुमने शूरा समुदाय के लोगों के साथ मिलकर कॉन्टेस्ट के नियमों को तोड़ा है, इसलिए मैं अभी तुम्हें इस कॉन्टेस्ट से डिस्क्वालीफाई करता हूँ। जैसे ही येजियो अपनी तलवार शेंगवेन को मारने के लिए बढ़ाता है, शेंगवेन अपनी तलवार उस बर्ड को मारने के लिए बढ़ा देता है और कहता है कि देखता हूँ कौन मुझे मारता है, अगर आज मुझे मारा गया तो नैन नैन भी मर जाएगा। तो येजियो कहता है अगर तुमने उस बर्ड को कुछ भी किया तो तुम और तुम्हारे आदमी आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तो शेंगवेन कहता है कि बहुत अच्छी बात है, मेरी और नैन नैन की दोनों की चिताएं एक साथ जलाना। जिस पर चिंगलियो शेंगवेन से पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, तो शेंगवेन कहता है कि मैं येजियो के साथ लड़ना चाहता हूँ, अगर वो जीता तो मैं ये बर्ड तुम लोगों को खुद दे दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो फैंकेंग एम्पायर मेरा हो जाएगा और साथ में येजियो को ये वादा करना होगा कि वो कभी भी चिंगलियो से शादी नहीं करेगा।
तो येजियो उसकी शर्त को मान लेता है, लेकिन चिंगलियो घबरा जाती है और येजियो को रोकने के लिए उसके पास आती है। तो येजियो उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। तो चिंगलियो येजियो को किस कर लेती है और कहती है कि उसे जिंदा मत छोड़ना, जान से मार देना। वहीं दूसरी ओर नैन अभी भी बेहोश होता है, लेकिन सभी गार्ड उसका बहुत ध्यान रख रहे होते हैं और उसे दवा पिला के उसकी हालत को स्टेबल बना रहे होते हैं। वहीं येजियो और शेंगुइन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो लूली कहती है कि शेंगुइन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, येजियो के लिए ये फाइट आसान नहीं होगी। तभी शेंगुइन कहता है कि 7 साल पहले 4 किंगडम कॉन्टेस्ट में ही तुम्हारे पिता मारे गए थे और अब तुम मारे जाओगे। तो येजियो कहता है कि तुमने क्या कहा, फिर से कहो। तो शेंगुइन बताता है कि 7 साल पहले जब मेरी फैमिली ने 4 किंगडम कॉन्टेस्ट जीता था तो तुम्हारे पिता घोड़े से गिर के नहीं बल्कि मेरे पिता के तीरों से मरे थे। इतना ही नहीं बल्कि शूरा समुदाय के साथ मिलकर फेंकेंग एम्पायर को जहर देने वाले भी मेरे पिता ही थे। इतना सुनकर येजियो बहुत गुस्से में शेंगुइन की तरफ बढ़ता है, लेकिन शेंगुइन येजियो को तीर से घायल कर देता है और येजियो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुँह से खून निकलने लगता है। येजियो जब लगभग मरने वाली हालत में पहुंच जाता है तो उसकी आंखों के सामने वो दिन आने लगता है जब उसने अपनी आंखों से अपने पिता की लाश को देखा था और उसी दिन से उसे ब्लड का फोबिया हो गया था। फिर उसने अपने बालों को काटा था और अपने पिता की तस्वीर के सामने जाके शपथ ली थी कि जब तक वो अपने परिवार की खोई हुई इज्जत को वापस नहीं लाएगा वो चैन से नहीं बैठेगा और वो 4 किंगडम कॉन्टेस्ट को जीत कर ही दिखाएगा। ये सब याद करके येजियो धर्मपाजी वाले स्टाइल में उठ जाता है और शेंगुइन से कहता है कि जिस दिन मैंने अपने पिता की मौत को देखा था मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं अपने परिवार की हमेशा रक्षा करूंगा और आज तुमने मेरी बीवी और मेरे बच्चे पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। इसके बाद येजियो अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेता है और अपनी फैमिली की स्पेशल तलवार चलाने वाली टेक्निक से शेंगुइन को ज़मीन पर गिरा देता है। तभी शेंगुइन अपने आदमियों को उस बर्ड को जलाने का ऑर्डर देता है और शूरा समुदाय की डिप्टी मिनिस्टर उस बर्ड को जला देती है। चिंगलियो तुरंत उस बर्ड को बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन जब तक वो बर्ड जल चुकी होती है और चिंगलियो रोने लगती है कि अब वो नानन को कैसे बचाएगी। येजियो गुस्से में शेंगुइन को मारने ही वाला होता है कि शेंगुइन कहता है कि आज मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ, नैननैन के असली पिता तुम खुद हो और तुम ही वो आखिरी इंसान हो जो उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। ये सब जानने के बाद येजियो शेंगुइन को जान से मार देता है और ल्यूली शूरा समुदाय की डिप्टी मिनिस्टर यानी अपनी बहन को ख़त्म कर देती है। चिंगलियो रोने लगती है कि अब नैननैन कल तक भी जिंदा नहीं बचेगा। तो येजियो कहता है कि जब हम 4 किंगडम कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे तो हमें वो मेडिकल डिक्शनरी मिल जाएगी, हो सकता है उसमें कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम नैननैन को बचा सकें, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी जान देकर भी नैननैन को बचा लूँगा। और वो चिंगलियो को अपने गले से लगा लेता है। अगले दिन घोषणा की जाती है कि जिंगले किंगडम और लियान किंगडम कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुके हैं और असली मुकाबला अब चैनू किंगडम और फेंके किंगडम के बीच में लड़ा जाएगा। अगले सीन में चिंगलियो नैननैन के पास बैठी होती है तो वहाँ येजियो पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 2 गुड न्यूज़ हैं। पहली तो ये कि शेंगुइन ने तुमसे झूठ बोला था, हमारे पास नैननैन को बचाने के लिए एक और रास्ता है। मैंने मुजियान को इस बारे में पता लगाने के लिए कहा था और उसने बताया कि ये बर्ड पेयर में होती है, एक मेल और एक फीमेल, और हमें उसे ढूंढने के लिए ड्रीम माउंटेन पर जाना होगा। लेकिन येजियो का चेहरा बताता है कि वो चिंगलियो से झूठ बोल रहा था। और तभी एक फ्लैशबैक आता है कि जब मिनिस्टर सीतू येजियो के घाव का इलाज कर रहे थे तो उसने उनसे पूछा था कि नैननैन की बीमारी का इलाज क्या है। तो मिनिस्टर सीतू ने उसे बताया था कि नैननैन की बीमारी का इलाज उस बर्ड का खून था, लेकिन उसके अलावा एक और रास्ता है और वो है ब्लड को एक्सचेंज करना, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। नैननैन को सिर्फ वही आदमी खून दे सकता है जिसका नैननैन से खून का रिश्ता हो और फिर उस आदमी की जान को खतरा हो जाएगा। तभी फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, लेकिन येजियो चिंगलियो को ये नहीं बताता कि वो सब कुछ पहले ही जान चुका है। वो चिंगलियो से कहता है कि कल हम ड्रीम माउंटेन पर चलेंगे और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या नैननैन को बचाने के लिए येजियो अपनी जान दे देगा, क्या चिंगलियो और येजियो की लव स्टोरी कम्प्लीट होगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।